कटिहार जिले के बारसोई थाना अंतर्गत पोमरा गांव की घटना है। वहीं मोहम्मद गुलाम अब्बास का कहना है कि अपना खेती करके जीवन यापन करता हूं। अचानक मेरी ज़मीन पर मोहम्मद कासिम अफसार खुशनूर नोरेन लगभग 8 से 10 आदमी मेरे खेतों में जेसीबी के द्वारा अवैध मिट्टी कटाई कर रहा था। इन लोगों ने हमारे खेतों से लगभग 10 फीट मिट्टी काटने लगा। जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने मुझे गंदी गंदी गालियां और धमकी देने लगा। तब मैंने इस घटना की सूचना सुधानी ओपी एवं अनुमंडल पदाधिकारी और खनन विभाग को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन लोगों ने हमारे क्षेत्र से 2500 फीट मिट्टी काट लिया, जिसमें कि मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया है। आज तक किसी भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई इन लोगों पर नहीं की गई है। हम लोग का जीवन यापन खेती करके ही होता है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए कटिहार से सुंदर कुमार की रिपोर्ट। क्या है समस्या आपकी? समस्या ये है कि जबरदस्ती मेरा दादा का जमीन से मिट्टी कटाई कर लिया है। 10 फीट गड्ढा, 84-85 डिसमिल जमीन का रकबा। मेरा बाप रोकने गया, हम लोग बाहर थे, उसके रोकने पे भी नहीं रुका। अमीन से भी उसको जमीन 42 खरीदा है, वो 42 बरा के दिया गया। बराने के बाद भी वो पूरा रकबा 85 डिसमिल का मिट्टी काट लिया जबरदस्ती 10 फीट गड्ढा करके। उसका सूची ये थाना में भी दिया गया है, DSP साहब को भी दिया गया, CO साहब को भी दिया गया, कर्मचारी साहब को भी दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। खनन विभाग को भी लास्ट में दिया गया, पदाधिकारी की तरफ से तो कार्रवाई नहीं किया, कोई किया कार्रवाई नहीं हुआ पदाधिकारी की तरफ से, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इस मामले को लेकर आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया? आवेदन दिए ये CO साहब को दिए, कर्मचारी साहब को दिए, DSP साहब को दिए, थाना में भी दिए, OP सुधानी बारसोई। पहले कहाँ दिए थे? पहले सुधानी में दिए थे, उसके बाद दिए CO साहब को, CO साहब को देने के बाद दिए कर्मचारी को, फिर उसके बाद दिए DSP साहब को, SDO को भी दिए, लेकिन कोई अभी तक समस्या हल नहीं हुआ। अभी तक घूम रहे हैं हम लोग ऐसे ही। क्या नाम हुआ आपका? अबू अख्तर, पिता गुलाम अब्बास, पोमरा ताजपुर। क्या है समस्या सच्चा आपका? क्या हसीबुर रहमान ने मिट्टी काट लिया 10 फीट गहराई करके, उसमें मेरा भी शेयर है। एक बीघा उसके पास बेचे हैं, 85-20 मिल का प्लॉट है वो, उससे भी पूरा मिट्टी काट लिया 85 खसरा का। कितना? 42 बेचे उस पर भी गया, वो लोग लटके लुटे लेके शाम को रंजी हेल के जाना पड़ता है। हम बाप का एक लड़का है सर, मेरा बच्चा तो बाहर था, जब आया तो उन लोग 15-20 आदमी ट्रैक्टर, फिर रात तक 7 बजे तक मिट्टी काटा। उन लोगों ने क्या आप लोग के साथ मारपीट भी किया क्या? हाँ, धक्का मुक्का हुआ था, मेरा बच्चा सब गया था, हम नहीं जा पाए। तो इस मामले को लेकर आपने आवेदन नहीं दिया थाना में? थाना में दिए 2 बार सर, कोई काम नहीं कर रहा है। एक बार थाना वाला गया रोक दिया, फिर दूसरी बार जो गया तो थाना वाला वहाँ छोटा बाबू गया और भी इशारा देता है कि काटो बंटी। थाना बाबू जाकर के भी इशारा दे दिया उन लोगों को, 7 बजे 8 बजे रात तक 2 GCP लगा दिया। तो ये थाना प्रभारी जब गया तो 2 GCP लगा दिया। कौन थाना में आवेदन दिए थे? सुधानी। सुधानी में? तो आपकी समस्या को पदाधिकारी नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा आज तक सर। खनन विभाग में दिए, कटिहार 2 बार गए ठंडा में। खनन विभाग में भी दिए थे? वजह किया जाएंगे, जाएंगे हम अकेले आदमी कहाँ जाएंगे सर। क्या नाम हो? गुलाम अब्बास। घर?